हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिविंग आर्टिस्टिकली पे। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम जो कि हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे। सो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रहने वाला है और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने दो पेपर ले लिए हैं जिसको मैंने टेप की मदद से ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर थाली रख के इसे हम दिल का शेप कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने टेप लगाया हुआ है ताकि ये जॉइंट रहे। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाने के लिए कुछ पतली स्टिक्स बना लेंगे, जिसके लिए हम पेपर को इस तरह से कोने से फोल्ड करना शुरू करेंगे। फोल्ड करते समय आप ध्यान रखें कि इसे दोनों हाथों से बराबर का फोल्ड करें ताकि इसकी जो मोटाई है वो एक बराबर रहे। और इसके बाद हम इसे चिपका लेंगे। इस तरह से मैंने कई सारे स्टिक्स बना ली हैं। आप इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप स्टिक्स बना सकते हैं। अगर आप इसे छोटे साइज़ में बनाना चाहें तो आप छोटा भी बना सकते हैं। इसको आप किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ये है। अभी हम इसके ऊपर कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए आप जो भी कलर प्रेफर करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, रेड कलर का। सो ये फ़ोटो फ्रेम जो है ये मैं किसी को गिफ्ट करने के लिए बना रही हूँ। सो मेरे फ्रेंड के घर में एक फंक्शन है जिसमें मुझे उसे गिफ्ट करना था। सो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये थीम ली है। सो इसलिए मैं इसे रेड कलर कर रही हूँ। आप अगर इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप इंटीरियर के अकॉर्डिंग इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक्रेलिक कलर से फिनिशिंग दे सकते हैं, बिकॉज़ एक्रेलिक कलर में थोड़ी शाइन होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसे पे स्प्रे पेंट से भी कलर कर सकते हैं। अपना कलर सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आपका इंटीरियर कैसा है और लाइटिंग इफेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग, ताकि इसका जो रंग है वो खिल कर के बाहर आए। सो इस तरह से मैंने कलर करके इसे कट कर लिया है। स्टिक्स लगाते समय ध्यान रखें पहले स्क्वायर शेप में आउटलाइन कर लें ताकि बीच की जो हम लाइंस लगाएंगे वो उसका अलाइनमेंट सही रहे। सो यहाँ पे मैंने पहले ऊपर एक स्टिक लगाई है और साइड में स्टिक लगा के इसे एक स्क्वायर शेप में फिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इस पर बाकी की स्टिक्स लगाई हैं। और अब इसके ऊपर फ्लावर्स लगाने के लिए मैंने ग्लेस पेपर का यूज़ किया है जिसको मैंने 3:3 के रेशियो में कट कर लिया है और इससे फ्लावर बनाएंगे। सो आप चाहें तो सेम थीम यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टी कलर फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। सो ये एंटायरली डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ से बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसे गोल्डन के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है क्योंकि हमारी थीम जो है वो लव थीम है। इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और गिफ्ट आइटम के लिए भी बहुत यकीन है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के शादी के लिए एक फंक्शन था उस पर मैंने उसे ये गिफ्ट किया था। सो बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे और कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि घर पे कुछ बनाते हैं, बट घर पे क्या बनाएं वो भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर के यूज़ से ये फ़ोटो फ्रेम बनाने का सोचा। सो आप चाहें तो गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अपने घर में सजाने के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आप फ़ोटो फ्रेम की तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके बीच में कुछ टेक्स्ट डाल के हैप्पी बर्थडे लव या कुछ भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल भी लगा सकते हैं या पूरा फ्लावर से भी भर सकते हैं। सो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। आप किस पर्पज़ से बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कलर सेलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे फ़ोटो फ्रेम बनाना है इसलिए मैंने सिर्फ खाली आउटलाइन में काफ़ी सारे फ्लावर्स रखे हैं, लगाए हैं। बीच का स्पेस मैंने खाली रखा है फ़ोटोज़ लगाने के लिए। अगर आप फ़ोटोज़ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ खाली फ्लावर्स लगाकर भी इसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रेड और गोल्डन के कॉन्ट्रास्ट में लगाए हैं, कहीं पर बड़े और कहीं पर छोटे फ्लावर्स लगाए हैं।
ये देखिए लाइटिंग में कुछ इस तरह से खिलकर आ रहा है। अब इसमें हमने फोटोज एडजस्ट कर लिए हैं और कुछ फ्लावर्स बीच में लगा के। मैंने यहाँ पे स्टिकर यूज़ किया है मोतियों वाला गोल्डन कलर का, और फ्लावर्स के बीच में लगाने के लिए मैंने गोल्डन पेपर का यूज़ किया है, जिसको आप गोल शेप में कट करने के लिए पंचिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। सो जिनसे कटिंग इतनी प्रॉपर नहीं होती है या आपके पास टाइम कम हो, तो आप ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप पंचिंग मशीन से गोल शेप कट करके बीच में लगा सकते हैं। और ये बन के तैयार है हमारा फोटो फ्रेम। सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ लाइट्स ऐड की हैं, बिकॉज़ ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो थीम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लाइट्स ऐड की हैं। बिना लाइट्स के भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और लाइट्स भी ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे टैग करना ना भूलें। थैंक यू।